नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। रायबरेली डीएम ने बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रायबरेली बस स्टैंड पर आज जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर ग्रामीण बस सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा के शुरू होने से कई गाँव, ब्लॉकों व जिला मुख्यालय से जुड़ेंगे और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। दरअसल प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के चलते उसने जिन इलाकों में परिवहन की सुविधा नहीं है, उन इलाकों में परिवहन विभाग की सेवा शुरू कराई जा रही है। इसी के चलते आज जिले के बस स्टॉप से भी एक बस को झंडी दिखाकर डीएम शुभरा सक्सेना ने रवाना किया और कहा कि ई सस सेवा की शुरुआत होने से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग ब्लॉकों व मुख्यालय से जुड़ेंगे। नमस्कार, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा जो सेवित गाँव है उनको ब्लॉक तहसील से जोड़ने के लिए और लखनऊ से जोड़ने के लिए आज इस बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसी अवसर पर हम लोग और इससे उन गांवों को सुविधा मिल पाएगी जो अभी तक असेवित थे और उनके पास कोई एक्सेस नहीं थी। इस बस सेवा के माध्यम से वो सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। मतलब कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे? बस से इससे कई गांव हैं हमारे, 4-5 गांव हैं जो सुदूर थे, जो असेवित थे, उन सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ब्लॉक मुख्यालय से भी जुड़ेंगे, तहसील मुख्यालय से भी जुड़ेंगे। इसके साथ साथ लखनऊ और रायबरेली के बीच में उन ब्लॉक और तहसीलों से होते हुए जाएगी, तो इससे इन सभी लोगों को लाभ। मैम, रोडवेज।